हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दो लक्षणों के बारे में, दो सिम्टम्स ऐसे आपको बताएंगे जिससे आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक बेबी गर्ल है या एक बेबी बॉय। दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता को कम कर सके। कोई भी लक्षण 100% सही नहीं होता है, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो कि हमारी दादी नानी अक्सर हमें बताया करती हैं। आइए गाइस जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल बटन को दबाएं मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इन दो ठोस निशानियों के बारे में। होता क्या है, जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं, माँ बनने वाली होती हैं, तो आपकी एक जिज्ञासा होती है जानने की। जैसे ही आपको पता लगता है, आपकी एक उत्सुकता बढ़ जाती है जानने की। वो इसलिए गाइस क्योंकि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, अगर आपके पहले से लड़का है तो आप एक लड़की की इच्छा ज़रूर रखती होंगी, और एक अगर लड़की है तो एक लड़के की इच्छा रखेंगी, क्योंकि दोनों ही माँ बाप के लिए ज़रूरी होती हैं, तभी फैमिली कंप्लीट भी होती है। इसलिए हर गर्भवती महिला की उत्सुकता रहती ही रहती है जानने की कि हमारे गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो क्या है, बेटा है या बेटी। दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको चौथा मंथ चल रहा है, ये आपको चौथे मंथ से ही देखना, चौथे महीने से अगर आपके पेड़ों में दर्द रहता है, यानी कि आपकी जो नाभि होती है, नाभि के नीचे की साइड, बिल्कुल नीचे की साइड आपके अगर दर्द रहता है, तो ऐसा माना जाता है अगर पूरी ही प्रेगनेंसी आपको हल्का हल्का दर्द बना रहता है तो ये एक लड़का होने का चांस होता है। और पूरी ही प्रेगनेंसी ये दर्द हल्का हल्का रहता है, आप कितनी भी दवाइयां ले लेना वो ठीक नहीं होगा। जब आपका बच्चा हो जाएगा उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कहते, हमारी बुजुर्ग दादी माँ हमें बताती हैं, ये लक्षण उन्होंने बताया तो हमने भी आपके साथ शेयर कर दिया। दोस्तों, दूसरा जो लक्षण है वो है कच्चा दूध। अगर कच्चा दूध भैंस का है या गाय का है, किसी का भी है, जैसे आप दूध लेकर आते हैं और उसको उबालने के लिए रखते हैं या आप उसको देखते हैं, तो आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, उल्टियां आने लग जाती हैं देखकर, या आप पी नहीं पाते हैं, और पीने की बहुत दूर बात है, आप देख भी नहीं पाती हैं उसको। कई महिलाओं को ये चीज़ बेबी बॉय के टाइम पर देखी गई है, जिनकी हाल फिलहाल में ही डिलीवरी हुई है। दोस्तों, उनका एक्सपीरियंस है तो इसलिए हमने आपके साथ ये शेयर कर दिया है। ऐसा माना जाता है कि आने वाली संतान एक लड़का होता है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, पी भी पा रही हैं, दूध पीती हैं, पचा जाती हैं, अच्छा लगता है आपको, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपके गर्भ में जो एक बच्चा पल रहा है वो एक लड़की है। दोस्तों, अगर आपके पेड़ों में दर्द नहीं रहता है तो ऐसा माना जाता है कि आप एक कन्या को जन्म देने वाली हैं। तो दोस्तों, हमने आपको ऐसे दो लक्षण बताए हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ हद तक सेंस लगा सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की। हमने दो लक्षण आपको बताए हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।